हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज एसबीआई क्लर्क की अगर बात की जाए, 24 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, इसमें पजल जो है वो काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिले। तो इन्हीं सारी चीजों को यहां पर हम लेकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हम लोग क्वांट से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वांट में थोड़ा सा चेंज ये कर दिया गया है कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो आए हैं, लेकिन ये रॉन्ग टाइप की नंबर सीरीज पूछी गई है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही सुना होगा। ओके, इसके बाद जो है सेकेंड चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में है कि सिंप्लीफिकेशन में। जैसे सिंप्लीफिकेशन जो है ये 5 नंबर का इस बार इन्होंने रखा है केवल। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। बाकी क्वाड्रेटिक जो है एज इट इज कल जो पूछा गया था वैसा ही पैटर्न आपको यहां पर मिला है। ओके, नॉर्मल वाला जिसमें एक्स स्क्वायर वाला होता है वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में पूछे गए। और थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े तो इसमें जो कुछ लोगों ने कहा है कि जो सेकेंड टाइप है क्वाड्रेटिक का वो भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, तो ये दो चीजें क्वाड्रेटिक की हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की डेटा सफिशियंसी, तो इसके भी दोस्तों 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन। और जो डीआई है ये आपका लाइन फॉर्मेट में पूछा है। ओके, तो इस चीज के लिए थोड़ा तैयार हो जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपके अब अपकमिंग शिफ्ट में होने वाले हैं ये भी कुछ इसी के रेंज में होंगे। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग जो है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसेलनियस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, इसके ऊपर। ठीक है, तो ज्यादातर जो अपना समय लगाना वो इन सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और इस डीआई को सॉल्व करने में लगाना, तो आप लगभग 15 से 20 नंबर जल्दी ले आओगे। बाकी 2-4 इधर हो जाएंगे, फिर भी अगर एक सही अटेम्प्ट किया जाए क्वांट में तो आप 22 तक कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं रीजनिंग वाले पेपर की, तो देखो रीजनिंग में मैंने बताया कि एज इट इज पजल्स के फॉर्मेट ज्यादा पूछे गए। पजल जो हमने कल आपको कराई थी बॉक्स बेस्ड पजल, इसका क्वेश्चन पूछा गया। एक इस चैनल पर जाकर आप 2 बॉक्स की पजल को सॉल्व कर लो, कुछ ऐसा ही हमारा पैटर्न है। ओके, इसके बाद जो है एक आपका क्वेश्चन लीनियर टाइप में था। लीनियर में था कि जो नॉर्थ और साउथ फेसिंग है, अभी तक 8 पूछे जा रहे थे, अब इस बार 10 पर्सन को सेट करना है, मतलब 5 बैठालना है इधर और 5 आपके यहां पर। ठीक है, एक आपका ये वाला पजल टाइप का हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट जो ये देखो कि जो रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 और ब्लड रिलेशन 3, ये क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का किसी ने कहा है कि एक क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का आया था और वो वैसा ही था कुछ कुछ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा माइंड में सेट कर लो कि ये था। और एक पजल जो है आपकी, जैसे देखो ईयर बेस्ड पजल कल पूछी गई थी तो आज डेज बेस्ड पजल पूछी गई, तो पजल का रेशियो ज़्यादा है, लगभग 15 से 18 नंबर का है टोटल देखा जाए इस 35 नंबर में से। तो इसके लिए जो है आप थोड़ा सा तैयार हो जाओ अच्छे से। ठीक है, और बाकी अल्फाबेट है आपके, न्यूमेरिकल है, ये आ रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा खास चेंजेस नहीं, लेकिन हाँ पजल की फॉर्मेट में देखा जाए तो लगभग 15 नंबर से 18 नंबर तक का पजल वाला सीन यहां पर बन रहा है। ओके, थोड़ा सा और इंग्लिश सेक्शन की ओर हम लोग देखते हैं। तो देखो इंग्लिश सेक्शन में एज इट इज है जो आरसी है वो 10 का आ रहा था, लेकिन अब ये 5 और 6 का पूछा जा रहा है, ये चेंजेस यहां पर आए हैं। और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ठीक है, उनको फिर से अरेंज करना है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम आगे देखते हैं तो हमें जैसे सिंगल फिलर है, ओके, तो फिलर्स में ये वाली चीजें आपको मिली हैं, सिंगल फिलर के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट है वो वाले क्वेश्चन हमें देखने को यहां पर मिले हैं, और जो एरर डिटेक्शन है एरर के, ये 10 क्वेश्चन यहां पर मिले हैं। तो ओवरऑल जो 35-30 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है उसमें ये सिनेरियो हमारा रहा है। और जो टोटल अटेम्प्ट्स हैं लोगों के, ये कहा जाए कि लगभग 20 से 22 यहाँ पर उन्होंने किए हैं। और रीजनिंग में अगर पजल्स अच्छे से बना लिए हैं तब भी यहाँ पर 25 तक लोग पहुँच गए हैं, इसमें भी 25 तक का अटेम्प्ट हो गया है, बाकी जो भी है 10 से 15 नंबर तक का यहाँ पर। तो यही कहा जाएगा 62 से लेकर 75 के आसपास में लोगों ने एक अच्छे अटेम्प्ट्स कहे जाएंगे अगर इनको बनाया। वैसे बनाने को तो लोग कितने भी बनाकर आ रहे हैं, किसी ने कहा है मैंने 83 अटेम्प्ट किए हैं, एक बंदे ने कमेंट किया था मैंने 88 सर बनाए हैं। तो यार पॉसिबल है इतना अटेम्प्ट, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप एक जेन्युइन स्कोर एक्यूरेसी के साथ अपना बिल्कुल सही बनाकर आ रहे हो, चाहे आपके 67 अटेम्प्ट हैं, 68 भी हैं और 65 भी हैं, तब भी ये ठीक है। ओके, ये बुरा अटेम्प्ट नहीं है, इसमें आपका काम हो सकता है। ओके, अब मेरा यही कहना है कि जो आपका अपकमिंग स्लॉट में एग्जाम है तो बॉक्स बेस्ड पजल बनाओ, ये पजल आसान है, और जो डेज वाली है ये भी ठीक है, लेकिन जो लीनियर वाली पजल है, ओके, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, जो इसमें समय लग रहा है वो ठीक लग रहा है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इतना सा इस पर ध्यान रखना है।
और नेक्स्ट जो थिंग मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मैथ्स का पोर्शन है इसमें ध्यान रखना सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और डीआई, इसके ऊपर ज्यादा अच्छी पकड़ बनाकर रखना, तो आपका 25 तक हो जाएगा यहाँ पर काम। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए है, और यहाँ पर कुछ कल वाली प्लेलिस्ट रख रखी है मैंने, उनको देख लो, और हमारी जो भी वीडियोस अभी चैनल पर रिसेंटली अपडेटेड है वो सारी एसबीआई क्लर्क को लेकर हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यार, और बनाओ उन क्वेश्चंस को, जैसे और भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको अब तक लेकर आऊँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।